अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तिवारी जी, आप भी ना मतलब कभी कभी ऐसी बातें करते हैं ना कि मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाती हूँ। बताइए, आप भालू को भालू जी कह रहे थे, मतलब कोई इंसान अगर भालू को इतनी इज्जत देगा तो भालू तो पीछे पड़ ही जाएगा ना। ऐसे ही हम रिलेटिव के भैया, अब फिर क्या हुआ आगे? अरे पगली, तुम्हें क्या बताऊं कैसे जान बचा के भागे हैं। भाभी जी तो सामने बस गुजर रही थी, हम तुरंत तो उसमें चढ़ लिए, नहीं तो भालू हमारा रतालू बना देता। मैं ये रिस्क कभी नहीं ले सकती हूं, आई स्वेयर। नहीं भाभी जी, वो तो क्या था ना, वो हमारी मजबूरी थी। क्या है कि हमें जो है वो रिक्शे में माल लदवा के उसी रास्ते से गुजरना पड़ता था, तो क्या करते। भरभूति जी आइसक्रीम लेकर आए ना अभी तक? जमाने बैठ गए। ये लीजिए भाई, आइसक्रीम आ गई, आइसक्रीम आ गई, काजू किशमिश वाली आइसक्रीम। काजू किशमिश वाला है? अच्छा अंकु भरभूति जी, आपको पता है ना हमको बहुत पसंद है। अभी जी मैं आपको रेसिपी दे दूंगा, अगर आप कहें तो मैं घर आके जमा भी दूंगा। ठीक बा। अरे आइसक्रीम से याद आया, मास्टर भूप सिंह जो चुपके चुपके आइसक्रीम खा रहे थे, तो हमने पूछा मास्टरनी से डर लगता है क्या, तो उनकी गिग्गी बंद गई। कहने लगे भैया मास्टरनी को मत बताना, नहीं तो हमारी आइसक्रीम जमा देगी। कि उनके उनकी वाइफ के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। नायना या नीता जी का बात कर रही हैं, बल्कि मास्टर जी तो है, मास्टरनी के बारे में हमारे सामने बहुत तारीफ करते हैं। वो संस्कारन की पुड़िया है, वो ऐसी है, वो वैसी है। हाँ भाभी जी, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ठीक जाके देखिए ना, सबके ढोल फटे हुए होते हैं। जैसे आपके और भाभी जी के रिश्तों के ढोल फटे हुए हैं। ये क्या बेहूदगी वाली बात करी आपने, मतलब मेरे अन्नू के रिश्तों के ढोल फटे हुए हैं? आई ट्राइंग टू से दैट। लेकिन आप ही तो कहते हैं ना कि आपके और भाभी जी के रिश्ते मधुर नहीं है, आप ही ने कहा है। दिमाग फिर गया आपका, आप ही करते रहते हैं उल्टी सीधी बात भाभी जी के बारे में। क्या बोलते हैं हमारे बारे में जरा बताइए। आपके बारे में मालूम है क्या बोलते हैं ये? कहते हैं कि आप बौड़म हैं, पगलेट हैं, स्टुपिड हैं। अरे नहीं नहीं पगली, वो ऐसी बकवास, क्या क्या बकवास कर रहे हैं यार? सही बोल रहा हूँ। अरे अरे एक मिनट, शांत, क्यों 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 बहस कर रहे हैं? विभू मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इसलिए रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ काम डाउन। हाँ बस हमको भी कछु बुरा नहीं लगा, वैसे भी आप पगली और बौड़म तो हमको दिन में 17,000 बार बोलते हैं। वैसे एक बात बताइए तिवारी जी, विभू आप लोग हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं, मतलब ऐसे लड़ लड़ के बोर नहीं हो जाते हैं? भाई एक्चुअली क्या है कि बोर होते हैं तभी तो लड़ते हैं। अब देखिए क्या है कि टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं होता, आदमी सोचता क्या करे क्या करे क्या करे, तो आइडिया आता है कि चलो लड़ लेते पड़ोसी से, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। नहीं हम भभूति जी की बात से बिल्कुल सहमत है, हमें भी कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि क्या किया जाए, तो फिर चलो भभूति जी से झगड़ा कर लेते हैं। आप दोनों ऐसे इतना बोर काए होते हैं, हमको देखिए हम तो कभी बोर ही ना ही होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंगूरी जी, आप कभी नहीं बोर होती होंगी और ना कभी हो सकती हैं। आपने अपने आप को इतना बिजी करके रखा है, कामों में इतना उलझा के रखा है कि आपका ध्यान ही नहीं जाता होगा उस तरफ। एक्चुअली कि मैं ना कभी कभी बोर हो जाती हूँ, जब मेरे मन मुताबिक काम नहीं होता है तब। भाभी जी हमें लगता है कि बोरियत मिटाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो मनोरंजक हो, जिसे सब इंजॉय करें और जो सबके मन मुताबिक हो। लेकिन वो तो लड्डू के भैया हम लोग करते रहते हैं ना, कभी आपके यहाँ पार्टी होता है, कभी हमारे यहाँ पार्टी होता है। भाभी जी रोज रोज पार्टी करने से भी आदमी बोर हो जाता है। हाँ तो क्या करना चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए? नहीं, प्रेग्नेंट नहीं भाभी, वो चीज से एक्साइटमेंट कहना चाह रही हैं आप। सही पकड़े हैं। यार तू नब सुन रहा है यार, या फिर कमेंट्री सुन रहा है, ये बता। चाचा जी मैं नब्ज ही सुन रहा हूँ। नब्ज अगर सुन रहा है तो नब्ज ठीक है ना, मतलब बहू ठीक है या नहीं, क्या कह रही है नब्ज? नहीं भाभी जी बिल्कुल ठीक है। तो यार अगर ठीक है तो फिर ये होश में क्यों नहीं आ रही है? अरे चाचा जी इंसान को कभी कदार स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाता है। नहीं तो किस चीज का स्ट्रेस है इसको? अरे चाचा जी इस दुनिया में तमाम तरह के तो स्ट्रेस हैं और तमाम तरह की टेंशन है। अब किसी को काम की टेंशन है, किसी को दुनियादारी की टेंशन है, किसी को खुद की टेंशन है और किसी को पति की टेंशन है। तू दे रहा है टेंशन,
यार मैंने तुझसे कितनी बार कहा यार मुझे टेंशन दे दे, अपने आप को टेंशन ले ले, लेकिन यार बहू को तो टेंशन मत दे कम से कम। चाची ओवर केयरिंग के ओवर एक्टिंग करना बंद कीजिए, स्टॉप दिस नाटक राइट अवे। मैं नाटक कर रहा हूँ? हाँ आप नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं आप। यार ये नॉर्मल है, इंसान कभी कभार बीपी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाता है। आप तो कव्वाली गाने लगे। हाँ तो क्यों ना गाऊं कव्वाली, क्यों ना गाऊं कव्वाली यार, बहू की सेहत का सवाल है। मैं ताली बजा बजा के कव्वाली गाऊंगा। बता, तू हमेशा भूल जाता है लेकिन मुझे हमेशा ये बात याद रहती है कि हमारे घर में एक इकलौती बच्ची है कमेरी जो काम करती है। भगवान ना करे कि कल के दिन इसे कुछ हो जाए यार, तो हम तो भूखे मर जाएंगे बेटा। वैसे मेरी फीस कौन देगा? बहू बहू जाएगा फिर वो ही देगी। क्या मेरी फीस भाभी जी देने वाली है? फिर तो इन्हें फौरन होश में लाना पड़ेगा। थोड़ा सा परेशान था यार। नहीं नहीं झगड़ा नहीं हुआ अनु से यार, एक्चुअली हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, अचानक अनु का चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। नहीं बाप नहीं बनने वाला हूँ यार, बाप बनना होता बहुत पहले बन गया होता। मैं तो क्या करता हूँ फोन, एक चिपको आ गया, बीवी से बच के रहना। वो भाभी जी की तबीयत कैसी है? शी इज फाइन, वो ठीक है। क्या हुआ उसको, शी इज ओके? नहीं बेहोश क्यों हो गई थी? भाई थोड़ा सा एग्जर्शन हो गया था, स्ट्रेस है, आप तो जानते हैं अनु को, शी इज अ वर्किंग वुमन, बहुत स्ट्रेस लेती है वो, तनाव और इस चक्कर में, फटी के चक्कर में चक्कर होकर आ गया। शी इज फाइन, शी इज ओके। लेकिन उनका प्लीज है ध्यान रखिएगा आप, प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं ध्यान रखता हूँ उसका, और बहुत ध्यान रखता हूँ, और कौन रखेगा ध्यान उसका? मौका लगे तो हम भी रख सकते हैं जी, हमारे यहाँ शाम को रात्रि भोज का कार्यक्रम है। okay. तो भाभी तो आ ही जाएंगी, आप भी लद लीजिएगा। ठीक, ये क्या तरीका है आपका इनवाइट करने का, बेहूदगी का? ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या कह दिया आपने? आप जब भी इनवाइट करते हैं ऐसे इनवाइट करते हैं, भाभी जी को बुलाते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप लद लीजिएगा। व्हाट इज दिस यार, इसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है? अब ये भी तो कह सकते हैं कि आप और भाभी जी हमारे घर सादर आमंत्रित हैं रात्रि भोज के लिए, कांट यू से दैट? चलिए ठीक है, आप और भाभी जी हमारे यहाँ सादर आमंत्रित है रात्रि भोज के लिए, अब तो खुश है, आएंगे आप? देखेंगे। आए सुनिए, अजीब आदमी है यार। हेलो भाई, चलो क्या बात, ई लीजिए आ, ई गर्मा गर्म हलवा खाइए। अनीता जी लीजिए ना। बहू को नहीं, बहू को नहीं। हाय दिया का है कि क्या हुआ चाचा जी, हलवा खाने में क्या है? अरे बेटा तू समझ नहीं रही है, अभी हलवा जो है वो घी से बना है, और घी से जो हलवा बना है वो तेरे पेट में जाएगा, फिर वो गैस बनाएगा, और गैस जो है तेरे सिर पे चढ़ जाएगी, फिर तुझे चक्कर आएंगे फिर तू जो है बेहोश हो जाएगी, समझा करना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।